हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतना अच्छा लगता है खाने में, क्रंची क्रंची लगता है और घर के ही सामान से ही ये बनके रेडी हो जाता है। चाय से खाएं, सॉस से खाएं, जैसे खाना पसंद करें, बहुत ही कम वक्त में हमारा ढेर सारे जो है रेडी हो जाते हैं। टेस्टी रेसिपी ये देखिए कितनी कुरकुरी रेसिपी है, पटेटो मठरी। इसको जो है ट्राई ज़रूर कीजिए, फुल वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। पटेटो मठरी बनाने के लिए मैंने दो मीडियम साइज का आलू छील के पानी में पहले से रख लिया था। आलू काटे या छीले तो पानी में अवश्य रखें क्योंकि काले पड़ जाते हैं। अब मैंने मिक्सी जार में जो है इसको डाल लिया है छोटे छोटे पीस करके। डायरेक्ट तो इसका पेस्ट बन नहीं सकता, छोटे पीस काट के इसको डाल देते हैं। दो आलू कच्चे लिए, उबालने की कोई ज़रूरत नहीं, कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है। छोटी सी अदरक ले लिया है, तीन हरी मिर्च ले ली है, इसी में जो है 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले लिया है। अब इसमें मैंने 1/4 कप पानी ले लिया है। अब इसका पेस्ट रेडी कर दिया है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से पेस्ट हो जाना चाहिए। आप पानी नहीं डालेंगे तब भी चल जाएगा, मैंने थोड़ा डाल दिया था। कलर के लिए हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च जीरा पाउडर, आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने चाट मसाला का इस्तेमाल किया 1 चम्मच। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ भी बनाए चाट मसाला आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें जो है 1 चम्मच के करीब कुटा हुआ मिर्चा ले लिया है, आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी ले ली, उसको हाथों से क्रश करके डाल देते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। 2 चम्मच मैंने जो है इसमें सफ़ेद तिल डाल दिया, अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सादी मठरी आपने बहुत खाया होगा मैदे वाला, आज मैं आपको जो है पटेटो और गेहूं के आटे से हेल्दी मठरी बना के दिखा रही हूँ। इसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आता है। थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसका जो है डो रेडी कर लेते हैं, जिस प्रकार से हम रोटी बनाते हैं आटा रेडी करते हैं उसी प्रकार से मैंने 2 कटोरी जो है आटे का इस्तेमाल किया है। 2 आलू और 2 कटोरी आटे में हमारा जो है काफ़ी मठरी बन के रेडी हो जाएगा। अब इसी में मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल ले लिया, आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको हाथों से सान लेती हूँ, थोड़ा मुझे गीला लग रहा था तो मैंने 1/4 कटोरी आटा थोड़ा सा और डाल दिया है। देखिए इसको सान लिया है, अलग से पानी नहीं लेना है, आलू में परफेक्ट पानी था। इसी में 2 चम्मच तेल मैंने डाल के इसको ढक के रख दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुका है दोस्तों, देखिए ये बहुत ही नरम हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हाथों से मसल लेते हैं ताकि तेल और आटा अच्छे से मिक्स हो सके। छोटी छोटी लोइयाँ काट लिया है, अब इसको जो है बेल लेते हैं लोई बनाकर। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप इसका नमक पारा भी बना सकते हैं, मैंने मठरी बना के दिखाया है आपको। एक तरीका हम बताते हैं, आप इसको जो है कोई सा भी आकार दे सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें आटा लगा के इसको बेल लेते हैं, जिस प्रकार से हम रोटी बनाते हैं। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, मीडियम साइज़ का होना चाहिए। काटे वाला चम्मच ले लिया मैगी खाने वाला, अब इसको इस तरह से कर लेते हैं ताकि जो है इसको फ्राई करते समय फूले नहीं। इस प्रकार से मेरे पास बोतल का ढक्कन था तो मैंने जो है इससे मठरी का आकार दे दिया। छोटी छोटी मठरियाँ बनेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है हमें। देखिए इसी प्रकार से एक और बना के दिखा देते हैं, मैंने गोलाकार काटा है, आप इसको चौकोर या नमक पारा का रूप भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से बाकी बचे हुए आटे को बना लेते हैं मठरी। पटेटो मठरी बहुत ही स्वाद में खाने में टेस्टी लगता है, आप इसको
10 दिन या हफ्ता भर 15 दिन स्टोर करके एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा दोस्तों। जब भी जो है चाय पीने का समय हो तो आप इसको निकालिए, खाइए साथ में, चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है ये। तेल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, इसको चेक करने के लिए छोटी सी लोई मैंने डाल दी थी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसी में मैं एक एक करके मट्ठी को डाल देती हूँ। इसको धीमे आंच में थोड़ा समय तक इसको फ्राई करना होगा, 4 से 5 मिनट लगेगा फ्राई करने में। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कुरकुरा रेडी होता है, खाने में इतना लाजवाब लगता है कि आप जो है इसी मट्ठी की मांग करेंगे हमेशा। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। इस तरह से जो है पटेटो मट्ठी बनाइए, सबको बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसको थोड़ा मैंने डार्क फ्राई किया है इसलिए कि ये इसका टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा लगता है। डार्क होने पे हल्का रहता है तो टेस्ट कम आता है। इस तरह से लाल कर लीजिएगा, धीमे आँच में ही पकाए ताकि अंदर तक का अच्छे से कुरकुरा हो सके। इसी प्रकार से जो है मैंने रेडी कर लिया है, ये बहुत ही कुरकुरा बना है दोस्तों। इसी प्रकार से सारी मट्ठियाँ मैंने रेडी कर ली। आपको मट्ठी की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो जो है लाइक कमेंट्स के साथ जो है हमारे चैनल में जुड़ जाया करिए, बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा हौसला बढ़ता है। इसी प्रकार अनोखी रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह से बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी और वीडियो शेयर करते हैं हम। बीच बीच में इंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं। मिलते हैं न्यू रेसिपी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।